हमारा बेटा, अरे क्या बेटा क्या बेटी, सब दुत्कार रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है आपको, सबको अपने पुरुषार्थ की पड़ी है। तो साधक को करना क्या है, गुरु के बताए तत्व ज्ञान से अपने वर्तमान को सुधारना है। जो भोगना है उस पर तो आप कुछ कर सकते नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर सकते हैं वर्तमान के लिए क्रियमाण। तो जितना आप अपना क्रियमाण सुधार लेंगे उतना प्रारब्ध को भोगने हेतु आप बलवान हो जाएंगे। इसीलिए दो प्रकार की साधना है। जगत के लोगों के मध्य भी तुमको रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, प्रारब्ध को भोगना है, लेकिन तुम एक इंडिविजुअल भी हो, एक आत्मा भी हो, जिसका नाता हरि गुरु से है, उसको क्रियमाण से, वर्तमान के कर्मों से बना लो, ये ज्ञान को पक्का कर लो। तो हर साधक को प्रतिदिन अपने आप को एकांत में जमाना है, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए इस बात को, गांठ बांध लीजिए कि जैसे भोजन आवश्यक है ऐसे ही एकांत साधना परमावश्यक है। जब तक आप एकांत में साधना नहीं करेंगे, अपना निर्माण नहीं करेंगे, अपने भीतर की जागृति नहीं करेंगे, आप इस जगत के मध्य रहकर फिर साधना में दृढ़ कभी नहीं हो सकते। फिर ये परिस्थिति, ये लोग सब आपको अपनी ओर खींचेंगे और आप बह जाएंगे, बह जाएंगे। ये कभी मत सोचना कि मैं रेगुलर प्रवचन सुनता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ तो मेरी अज्ञानता चली गई, ये धोखे में मत रहना। करना भी धोखा दे सकता है कि मैं डेली एकांत साधना करता हूं, मैं डेली आंसू बहाता हूं, मेरी तो स्थिति बहुत आगे है, गड़बड़ गलत। शास्त्र कहता है धातु प्रसादात देव प्रसादाच। कभी मत सोचना कि मैं अपने साधना के बल से लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, साधना प्लस देव प्रसादाच, साधना प्लस गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा इज इक्वल टू लक्ष्य प्राप्ति, कृपा फल। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी की हुई साधना सही हो रही है या हमने अपने सिद्धांत बना लिए हैं, अपने आप से साधना करके सोच रहे हम बहुत ऊंचे लेवल में पहुंच गए ना, वो तो गुरु बताएगा, वो गुरु बताएगा। इसीलिए एकांत में अपने आप को जमाना है, और एकांत में जमाने के लिए पहले निश्चित करो 24 घंटे में मैं एक घंटा क्वालिटी टाइम अपने इष्ट गुरु के लिए दूंगा। जैसे खाना खाए बिना नहीं रह पाता, ऐसे ही मैं यदि एक दिन एकांत साधना नहीं करता तो उस दिन मैं भोजन नहीं करूंगा, ये संकल्प लेना है। आखिर ये भूल मुझसे क्यों हुई, संसार के लिए समय देता हूं, स्वयं के उदर पोषण के लिए समय देता हूं, और जिसने मुझे जीवन दिया, जिसके खातिर मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये प्राण उस प्राण धन ने दिए, उसके लिए मेरी कोई कृतज्ञता नहीं, कोई क्वालिटी टाइम ही नहीं,
तो लानत है, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। तो जिस दिन गड़बड़ी हो अपने आप को दंडित कीजिए, मत खाइए खाना, दीजिए दंड मन को, दीजिए दंड बुद्धि को, सुधर जाएगी। तो निश्चित कीजिए कि एकांत में मुझको एक घंटा बैठना है, भले ही उसको डिवाइड कर लीजिए, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को या एक घंटा एक साथ, ये आपकी सहूलियत पर डिपेंड करता है। और एकांत में अपने आप को बिठाइए, किसी के साथ नहीं बैठना है, बिल्कुल आप और आपके इष्ट गुरु हरि बस। और जो नियम बताए हैं महाराज जी ने, पहला नियम, कोई कामना नहीं रखना, भुक्ति मुक्ति आदि की किसी प्रकार की कामना नहीं। हमारी गाड़ी यहीं अटकी हुई है, कभी बेटे की चिंता, कभी बेटी की चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी कार्य की चिंता, कभी पोस्ट की चिंता, ये सारी चिंताएं आपको घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ढेर कामनाएं बनाए। यदि ये सिद्धांत बिठा लें दिमाग में कि श्री कृष्ण अथवा गुरु मेरे प्रारब्ध अनुसार जो बातें हैं उन कामनाओं को वो पूर्ण कभी नहीं करेंगे, तो बस सिद्धांत पक्का, मांगना बंद। आप अपना सिद्धांत दृढ़ नहीं करते, इसीलिए मांगे बनी हुई है। हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता तो हाथ धर दो, आशीर्वाद दे दो, नौकरी नहीं लगती कुछ कर दो। अरे राधे राधे, इतना महाराज जी ने समझाया, सिखाया, बताया, हम तो वही लिए बैठे, परिवार अच्छा रहे, हमारे बेटे बेटी अच्छे रहे। हम कब अच्छे होंगे इसकी परवाह नहीं है, मर जाएंगे क्या भरोसा, लेकिन औरों की, हमारा बेटा, अरे क्या बेटा क्या बेटी, सब दुत्कार रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है आपको, सबको अपने पुरुषार्थ की पड़ी है, आयु हुई अपने बीवी ली चल दिए, कौन पूछ रहा है आपको, फिर भी आप उनके पीछे पीछे लगे हैं फेविकॉल के समान, जबरदस्ती चिपकना चाहते, अपना होश ही नहीं, कोई ना कोई बनाव बना लेते हैं आसक्ति का, किए बैठे हैं आसक्ति। तो कैसे गुरु कृपा करे, कैसे साधना बने, आप ही बताइए ना। आपने तो कोई तत्व ज्ञान अपने लिए लागू किया नहीं। तो पहला नियम है, किसी भी प्रकार की कामनाएं संसार संबंधी हो और मोक्ष संबंधी, वो तो दूर की बात है, हम तो संसार संबंधी ढेर कामनाएं बनाए। तो कामना युक्त होकर एकांत में साधना नहीं कर सकते, कामनाओं को साइड में कीजिए। कोई अभिलाषा नहीं है मेरी, जो पहले दिया वो क्या कम है, आपने जो कुछ मुझे दिया है प्रभु वो क्या कम है, दो आंखें दो हाथ दो पैर सब कुछ तो है। जरा अपने से नीचे वालों को देखिए, हाथ नहीं है दो, पैर से काम करते। वो आपके व्हाट्सएप में जब वीडियो आता है इस प्रकार का तो लोगों को दिखाते फिरते हैं, देखो भाई क्या कमाल है, मशीन पैर से चला रहा है, पेंटिंग पैर से कर रहा है, कार भी पैर से चला रहा है, और उसको एक दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन खुद की अकल में नहीं आता कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने क्या किया, पड़ा हुआ हूं, ना संसार का कुछ कर पाया बेस्ट, ना भगवान का किया ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुरु को पाकर। तो ये सारी त्रुटियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमने तत्वज्ञान भली भांति हृदय में धारण नहीं किया और उसको तदनुसार अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाए। तो पहला नियम,
हमें किसी प्रकार की कामना नहीं करनी। ये कृपालु जी महाराज नहीं कह रहे हैं, कृपालु जी महाराज जो कहते हैं शास्त्र सम्मत कहते हैं, शास्त्र के अतिरिक्त अपनी तरफ से तो वो कोई बात कहते ही नहीं है। ये शास्त्र कहता है सर्वाभिलाषिता शून्यम, कृष्ण को पाना चाहते हो सर्वाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा मत रखो, ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से हरि गुरु का अनुशीलन करो, ये सब नियम है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम किसी प्रकार की कामना ना हो यदि कृष्ण को पाना चाहते हो।